हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ये भाई ने वीडियो बनाया है और फिलहाल में ही ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह से गियर से निकलने वाले वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपको सबसे पहले एक वीडियो शूट कर लेना है कुछ इस तरह से। वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने कैनवास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, आपको दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कलर पे क्लिक करना है और ओरिजिनल साउंड को सबसे पहले म्यूट कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और आपको इसमें वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले जहाँ पर भी वीडियो शूट करेंगे, तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने दरवाज़ा खोला हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से खोल लेना है और इस इमेज को आपको एक कैप्चर कर लेना है। तो सबसे पहले वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और इस इमेज को एक कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है और आपको यहाँ पर देखना है वीडियो कहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कहाँ से आप चलने के स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ से चलने के स्टार्ट किया हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। लास्ट पॉइंट पे आना है और आपको देखना है वीडियो कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं सेकेंड टाइम में निकलता हूँ और बाहर की तरफ चले जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। तो इसके बाद इसे हम ट्रिम टू राइट कर देते हैं। तो आपको वीडियो शूट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सिंपल वीडियो को प्ले करता हूँ। जैसे सिंपल हम बाहर की तरफ आते हैं और आपको यहाँ पे देखना है जैसे कि आपको ये दरवाज़ा आपके पास इतना कैसे आ गया। इसके बाद फिर से बैक होना है, इशारा करना है 1 से 2 मिनट में फिर से मैं बैक आ रहा हूँ और सिंपल से आगे की तरफ आपको निकल जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने कैप्चर किए थे उस इमेज को आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो इसे हम बैक करते हैं। यहाँ पे हमें बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आपको लोड ए फोटो पे क्लिक करना है और जो इमेज आपने कैप्चर किए थे उस इमेज को आपको सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद डन करना है। डन करने के बाद सिंपल आपको मैजिक पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह से आपको यहाँ से आपको साइज़ का बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैनुअल आपको कुछ इस तरह से आपको बैकग्राउंड इरेजर कर देना है। यदि आपको ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा पार्ट कुछ हो जाता है तो इस यहाँ से आपको बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से बैक कर सकते हैं। तो मैं फटाफट में करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हमें डन करेंगे। डन करने के बाद सिंपल इसे हम सेव कर लेते हैं। तो ये इमेज हमारा PNG में सेव हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें आना है काइनवास्ट एप्लीकेशन की ओर और फिर से हम देख सकते हैं जैसे कि हम आगे आते हैं तो यहाँ से हमको यहाँ तक ना आपको सामने आना है। ठीक है, तो यहाँ पर दरवाज़ा आपको बड़ा हो जाता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है 1 से 2 सेकेंड आगे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने इरेज किए थे इमेज को सिंपल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल इस स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद इरेज किए गए वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आना है और यहाँ पर आपको फेड कर देना है। इस इमेज पर फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट पर लेकर आना है। आपको ये इमेज को कहाँ तक रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ से आपने पैर उठाए और पैर के आपको इसी पार्ट तक आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं लग रहा है कि नीचे हम पैर के नीचे आ चुका है, आपको यहीं तक रखना है इसी पोजीशन में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इस इमेज के लेयर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आ जाना है आउट एनिमेशन में और यहाँ पर आपको फेर दे देना है। सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर लगेगा कि आपको आपके पास है और इसके बाद जैसे ही आगे पैर बढ़ाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और ये वीडियो भी आपका पूरी तरह से तैयार हो चुका है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। यहाँ पे आपको कोई भी साउंड ऐड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से साउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आइडियो कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ये वीडियो टिकटॉक पे फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।